हाँ खोल लिया। हाँ खोलिए, चलो स्टार्ट करो। मतलब है, चल क्वेश्चन का नाम है मंक एंड चैंपियन लीग। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक एक कोई भी पर्सन है तो स्टेडियम में गया, उसको सीट ले गए, एक चैंपियनशिप की फुटबॉल का मैच है तो उसको एक सीट चाहिए, और सीट की टिकट का प्राइस है एक तरीके से है इसमें, मतलब सिंपल नहीं है, हर सीट का एक प्राइस हो, मतलब सीट का एक प्राइस अकॉर्डिंग टू है, मैं बताऊंगा आप कैसे है, मतलब रो है, ठीक है। जितनी भी रो है ना सीट में स्टेडियम में, जैसे एम रो बता रखी है इसमें, एम रो है स्टेडियम में, और हर रो में कुछ के नंबर ऑफ सीटें खाली हैं, तो मतलब अगर एक रो है कोई भी रो ठीक है। लगा ले उसमें 4 सीट खाली है ना, तो उसका प्राइस कैसे होगा, जो स्टेडियम का ओनर होगा ना टिकट देने वाला, वो सबसे पहले वो टिकट देगा जिसके, जैसे एक रो में 4 सीट खाली है तो पहली टिकट का प्राइस होगा 4, और वो जो टिकट सोल्ड हो जाएगी ना तो उसके बाद उस रो में 3 सीट बच जाएगी, तो अगली टिकट का प्राइस हो जाएगा 3, ऐसे जैसे करते जाएंगे तो एक टाइम अच्छा पे 1 सीट बच गई तो उसका प्राइस 1 हो जाएगा, और ये हर रो का अलग अलग है, जैसे एक रो में 4 सीट है तो उसका 4 प्राइस है, अच्छा दूसरे रो अच्छा में 8 सीट है तो उसका 8 है, समझ गए, कि जैम बोर्ड भी ठीक है बताऊंगा ना, ठीक ठीक है। है इसका। नहीं ठीक है, समझ आ गया। हाँ तो चल इसका ये साथ में मैंने वो डाल रखा है ना, सेफायर इंजन का लिंक, वो कर ले, कोड समझा दो, बोलिए। हाँ तो इस क्वेश्चन में बस हेलो, हाँ कोड खोल लिया मैंने। हाँ मतलब है, इस क्वेश्चन में हमें एन नंबर दे रखे हैं, मतलब कितनी रो है, और रो के साथ साथ, एक मिनट क्वेश्चन खोले, क्वेश्चन में बता दूँ आपको, ठीक, मतलब फर्स्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ एम एंड एन, एम डिनोट्स द नंबर ऑफ सीटिंग रोज इन स्टेडियम एंड एन डिनोट्स द नंबर ऑफ फुटबॉल फैंस वेटिंग इन द लाइन टू गेट द टिकट, नेक्स्ट लाइन एम स्पेस्ड इंटीजर कंटेन्स द रोज अनऑक्यूपाइड इन द रो, तो देख पहले 3 है ना, तो 3 सैंपल इनपुट में देख, सैंपल इनपुट में फर्स्ट लाइन में 3 एंड 4, तो 3 का मतलब है कितनी रोज है, और फोर हाँ का मतलब है कितने आदमी है जो टिकट लेने आए हैं, और नेक्स्ट 3 जो इनपुट है नेक्स्ट लाइन में, तो उसका मतलब है कि उस रो में हाँ कितनी सीट ठीक है। खाली हाँ है, तो इवे उठ गया, तो 7th लाइन में एन एम इनपुट ले लिया, 8 में सी इन करवा लिया, तुमने एक प्रायोरिटी क्यूब बना ली जिसमें मतलब हमें पुश करते रहेंगे, जैसे एक रो है जिसमें फर्स्ट रो है, सोच के देख ये क्वेश्चन में है, जो 3 रो है, एक में सीट है एक खाली, एक में है 2 खाली, एक में है 4 खाली, तो हम इन तीनों को एक प्रायोरिटी क्यू में पुश करवा देंगे, तो हमने ये प्रायोरिटी क्यू में पुश करवा दी, तो प्रायोरिटी क्यू में सबसे अच्छा आगे आ ठीक है। जाएगा 4, तो हमें पहला जो भी आदमी आएगा उसको 4 के रेट में सीट बेच हाँ देंगे, और जो प्रायोरिटी क्यू उसमें, तो उसमें से 4 पॉप कर देंगे, और उसमें हमें पुश कर देंगे अब 4-1, क्योंकि उस रो में एक सीट खाली ठीक होगी, है तो इसमें देख कॉस्ट ले लिया 0, ठीक है। और आइस जितने नंबर ऑफ आदमी उनका 4 बुक लगाए 16th लाइन में, और 17th लाइन में जो प्रायोरिटी क्यू में टॉप ठीक एलिमेंट है वो ले लिया, वो पॉप करके उसमें से 1 माइनस करके पुश कर दिया, और कॉस्ट है हम एंड में सी आउट करवा देंगे, कोई दिक्कत है इसमें, अच्छा, तो मतलब इसमें प्रायोरिटी क्यू में जो भी टॉप जैसे फ्रंट पे है वो मैक्सिमम एलिमेंट है। हाँ जो फ्रंट पे है वो मैक्सिमम एलिमेंट आएगा इसमें प्रायोरिटी क्यों, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की लिंक सेट।